स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हर्षिता। बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट वीडियोस आते ही रहते थे बट लॉन्ग वीडियो बनाने में कुछ ऐसा चल रहा था मेरे साथ में तो मैं नहीं बना पा रही थी। और हाँ, कुछ तो मेरा खुद का आलस भी वजह बन जाता था कभी कभी, उस रीजन से भी मैं नहीं बना पाती थी। बट अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं जो वीडियोज हूँ मैं वो मैं कंटिन्यूसली डालती रहूँ। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स तो आते ही हैं बट लॉन्ग भी कंटिन्यूसली डालूँ। तो जब मैंने वीडियो एंड किया था, जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि मैं अब की बार जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो वीडियो होगा द सीक्रेट बुक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप आखिर आप अपनी लाइफ में उन बुलंदियों को कैसे पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। बिल्कुल सही, आप जो भी चाहो लाइफ में वो आप पा सकते हो। बट कोई भी चीज पाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटेंशन, आपके एफर्ट्स और आपका फेथ। जी हाँ, इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर आपके सपने भी आधारित होते हैं। अगर आप इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो तभी आप लाइफ में वो हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, तो सीक्रेट बुक के अकॉर्डिंग आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सपोज हमें मटर पनीर खाने का मन हुआ, शाम को घर गए तो मम्मी ने इत्तेफाक से वही बनाया हुआ, या किसी दोस्त से मिलने का मन था, वो दोस्त कहीं रास्ते में मिल गया, या उसका कॉल आ गया, या उसका मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कुछ भी। इस तरीके से हमारे साथ में कुछ ना कुछ जो है वो होता ही रहता है ना। तो आपको लगा होगा कि यार मेरी इंस्टिंक्ट कितनी स्ट्रांग है, मैंने वहां पे याद किया, ये हो गया, सोचा ये मिल गया। बट ये सारी प्रोसेस में एक चीज कॉमन रहती है जिसपे आपने कभी गौर ही नहीं किया, वो है ये कि जब भी आपका मटर पनीर खाने का मन रहा होगा उस टाइम पे आप बहुत खुश रहे होंगे। यही बात इस बुक में एक्सप्लेन सीक्रेट और इस बुक की सीरीज में एक्सप्लेन होता है कि आप किस तरीके से आप ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ओके, और उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर था मैंने उसका आपको इसमें दिया हुआ है, उन्होंने 6 पॉइंटर्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। वही 6 पॉइंटर मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, तो मैंने उसकी लिस्ट भी बनाई हुई है, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपने कॉपी और पेन लिया हुआ हो तो आप पॉइंटर्स को नोट करते रहिएगा। तो नंबर 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही चीज हमारी लाइफ में आके रिफ्लेक्ट होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके थॉट्स में टोटली निगेटिव चीज चल रही होगी, यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप सोच रहे हो 10 दिन से सोच रहे हो, तो वाकई में आपके पास में पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मेरे पास में पैसे हैं, मैं अरेंज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसलिए कुछ बड़ा पानी होती है, जैसे आप देखोगे आपके साथ हुआ भी होगा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके वो चीज़ आपके पास में आ गई। इसलिए कि आपको अपने आप को जानना है, स्टोरी को समझना है, अच्छी तौर समझ करनी है, ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। क्योंकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक थिंग अट्रैक्ट लाइक थिंग। जैसा आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी में एक्सप्लेन किया हुआ है, यही चीज है। जो भी आप सोचते हो वही चीज आपको मिल जाती है। इस तरीके से समझो कि जैसे आपने, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है आपने सुना ही होगा, ऊपर से नीचे जाना है तो नीचे ही जाएगा ना, वो ऊपर तो आएगा नहीं। तो वही चीज है कि ये भी सिद्धांत पे ही चलते हैं। ठीक है, तो आपको भी जो भी आप वाइब्रेट करोगे, जो भी आप सोच रहे वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, लोग आपने देखा होगा ना हमारे बुजुर्ग में या हमारे किसी फैमिली में, या जो भगवान को ज्यादा पूजते हैं, तो मोस्ट प्रोबली क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं कि हाँ भगवान की पूजा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आस्था हुई उनकी भगवान के प्रति कि हाँ मैं ये पूजा करूंगी, मैं ये अर्चना करेंगे तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है कि आप जो चाहते हो, जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ में होने लगता है। इसलिए अच्छा अच्छा सोचना जरूरी है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है, थॉट्स आर मैग्नेट एंड एवरी थॉट्स हैज अ फ्रीक्वेंसी।
सच में थॉट्स जो होते हैं वो मैग्नेट होते हैं, और हर किसी की एक फ्रिक्वेंसी होती ही है। जैसे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स की आप देख लो, अगर कोई आपसे बोल देता होगा यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है। यही थॉट आपके माइंड पे भी चलता है, यार नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, आपको डिमोटिवेट फील करा देता होगा, आपको ऐसा लगता है कि यार आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप यही सोचने रहते हो और वो बात आप कर भी नहीं पाते होंगे, या वो चीज़ जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील आने लगता है। तो वही चीज़ आपके ब्रह्मांड तक जाती है, वही आपको रिटर्न मिलती है कि ठीक है भाई इससे नहीं हो पा रहा है, नहीं ही होगा, यही होगा। तो राज ऐसा होता है। तो आप जो भी वर्ड्स बोलते हो, जो भी सोचते हो, तो उसको पॉजिटिव करना स्टार्ट करो। आप सोचो कि हाँ मैं मेरी लाइफ में ड्रीम कार ले सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ में खुद का मकान बना सकती हूँ, मैं मेरी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए गोल्ड की रिंग खरीद सकती हूँ, मैं खरीद सकता। तो जब आप अपने अंदर ये चीज डालोगे तभी आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो आता है हम अपन फोर्थ पॉइंट पे, इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ देन फर्स्ट चेंज योर माइंड सेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप जो सोचते हो वही आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने माइंड सेट को तो क्लियर करना पड़ेगा ना। आप दिमाग में सोचते रहो यार कहाँ मिलेगी मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी, तो आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे यार मैं 1 लाख की सैलरी कैसे पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, कैसे मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए क्या करोगे? एक्शन लोगे, क्योंकि आप पहले सोच रहे हो। कोई भी चीज आप पहले सोचते हो तब आप करते हो, ठीक है। जब आपने थॉट में निगेटिव भी बना के रखा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, लेकिन जब आप सोचते हो कि मैं मेरी लाइफ को चेंज करूंगी ना, उसमें कुछ अच्छे चेंजेस लेके आऊंगी, तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर दो, ठीक है। अभी आप जब आप निगेटिव सोचते हो ना, तब आप एक दो ही या 5 10 ही करते हो और थक के बैठ जाते हो, यार नहीं छोड़ देते, ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो कि यस मुझे करना ही है, तब आपको चाहे एक दिन में 100 ही रिज्यूम क्यों ना सेंड करना पड़े, आप 100 रिज्यूम सेंड करोगे, आपको 100 बार ही कहीं और कहीं क्यों ना जाना पड़े, आप जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो। एक बार आपने ये बिलीव ले आए तब आपकी लाइफ में चेंज होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी, कि हाँ आपके साथ में अच्छा ही होगा, आप कर ही लोगे। तो ये करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको भी चेंजेस दिखने लगेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, योर प्रेजेंट थॉट्स क्रिएट योर फ्यूचर। हम लोग सोचते हैं ना, मैं तो सोचती हूँ, आप भी सोचते हो, और भी सोचते हैं कि यार हम अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, कैसे करें, कैसे करें। अब कैसे करते करते ना सालों बीत जाते पर नहीं होता। लेकिन जब हम सोचते हैं यार मुझे करना ही है, अब सोचती हूँ मैं सोचता हूँ कैसे कर सकते हैं, तब आप अपना प्रेजेंट में वो डिसीजन ले लेते हो और फिर आप फ्यूचर बनाने के लिए एफर्ट्स करना भी स्टार्ट कर देते हो। तो सोचना अभी जरूरी है, ये नहीं कि वीडियो मेरा देख लिया, मैम ने कुछ बोला था तो बोला होगा, सब ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ देते और छोड़ दिया। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, अभी सोचना पड़ता है। जब आप अभी सोचोगे तभी आप अपना कल बना पाओगे। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, योर थॉट्स बिकम ऑब्जेक्टिव। होता है आप सोच लोगे और वो चीज आपको मिल जाएगी। अब ये नहीं है कि आपने आज के आज सोचा और आज के आज वो चीज आपको सामने मिल रही है, कुछ चीजें रिटर्न हो जाती है और कुछ चीजों में टाइम लगता है, ठीक है। अब आपने सोचा 1 लाख रुपए कमाना है, तो भाई 1 लाख रुपए के लिए आपको या तो उस तरीके की जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, और उनसे भी पहले आपको खुद में देखना पड़ेगा कि क्या मैं 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए एबल हूँ या नहीं, और अगर नहीं हूँ तो मेरे अंदर क्या मैं ऐसा चेंजेस लाऊं जिससे मैं वो 1 लाख रुपए अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा, आपको स्किल्स बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर उस तरीके की जॉब या फिर आप उस तरीके का कोई बिजनेस वो स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आप वहां तक पहुंच पाओगे। लेकिन वो मिलेगी ही जरूर, जब आप वो सोचोगे, अपने दिमाग में भरोगे, तभी वो मिलेगी। ओके तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी चीजें बताऊंगी। आई होप मेरे इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहूँ, नॉलेज देते रहूँ। जो भी मैं नॉलेज ली हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियो किसी रिलेटिव के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो हो सके, आपके फैमिली फ्रेंड्स भी ग्रो हो सके। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ ना भी समझ में आ रहा हो तो आप उस कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं आपके सवालों के आंसर भी दूंगी। ओके,